हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही सिंपल वे में बताने जा रही हूँ। इसके लिए हम लेंगे एक कप गेहूं का आटा, इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और हरी धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बना लेंगे। हमें आटा नॉर्मल रोटी की तरह सॉफ्ट ही बनाना है। इस पराठे को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। हम पनीर का पराठा बना रहे हैं जो फुल ऑफ प्रोटीन रहता है। अगर आप और भी वैरायटीज चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर कई तरह के पराठे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। एक बार इस पराठे को बनाकर देखिए, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें। डो बनाकर इसे 15 से 20 मिनट तक ढक्कन लगाकर रख देंगे। 15 से 20 मिनट बाद इसे अच्छे से फिर से गूंथ लेंगे और एक चम्मच तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग की ओर। इसके लिए लेंगे पनीर जो घर पे बना हुआ है, और घर का बना हुआ पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसे या तो आप क्रश कर लें या फिर आप इसे हाथ से ही तोड़ लें। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालें और फ्रेश धनिया धोकर काट कर डालें। स्वादानुसार नमक डालें और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। यहाँ आप अमचूर पाउडर या गरम मसाला पाउडर या जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गई है। अब आटे की एक लोई लेकर सूखा आटा लगाकर इसे थोड़ा बेल लेंगे। लोई पर घी या तेल लगाकर स्टफिंग रखकर अच्छे से बंद कर लेंगे। फिर से एक बार सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमें बेलते समय ध्यान देना है कि बहुत हल्के हाथों से बेलें, इससे स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। रोटी अगर बेलते समय चिपक रही है तो उस पर थोड़ा और सूखा आटा लगाएं, फिर ये आसानी से बेला जाएगा। जितनी आटे की लोई की साइज है उससे कहीं ज़्यादा पनीर के लोई की साइज होनी चाहिए। तवा गरम कर लें, उस पर थोड़ा तेल डालें और उसके ऊपर पराठा डाल दें। एक मिनट तक हाई फ्लेम पर ही रहने दें। फिर इसे पलट कर घी लगाकर लो फ्लेम पर होने दें। पलटने के बाद फिर से थोड़ा घी लगाएं। गैस का फ्लेम लो ही रखें। लो फ्लेम पर पराठा बहुत अच्छी तरह से सिकता है। पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है, इसे अब प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह से बाकी के भी पराठे बना लेंगे। तवे पर पराठा डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लें और फिर घी लगाकर गैस का फ्लेम कम कर लें। से सिकने के बाद इसे पलट लें और फिर थोड़ा घी लगाएं और इसे अच्छी तरह से सेक लें। इन पराठों को आप दही, अचार, पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी पराठे तैयार हो चुके हैं, अब इसे तोड़कर देखते हैं। देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग हुई है। तो आप भी ट्राई करिए और अपने कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Thanks for watching. Bye-bye.